मिर्ज़ा जब वदीमा के साथ ज़बरदस्ती करता है और उसे ज़बरदस्ती कहता है गाना सुनाने के लिए, तो वदीमा उसे कहेगी कि आपका जुल्म सिर्फ़ हम जैसे कमज़ोर और लाचार इंसानों के लिए ही है। अब मिर्ज़ा साहब के बुरे दिन शुरू होने वाले हैं। बहुत ही जल्द मिर्ज़ा साहब के ऊपर हमला हो जाएगा, जिसके नतीजे में मिर्ज़ा साहब हड़बड़ा जाएगा और वह वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। जब फार्म हाउस छोड़ के वो लोग जाने लगेंगे, तभी उनका असिस्टेंट पूछेगा कि अब वदीमा का क्या करना है। तभी मिर्ज़ा उसे कहेगा कि इसको गोली मार दो, तो वो पिस्टल पकड़ेगा और उसे गोली मारने लगेगा। तो दूसरी तरफ आप देखेंगे कि अब सालार जब पुलिस के पास जाएगा और उसे बता देगा कि वो नसीमा तक पहुंच गया है, तो वो इसको उसके खिलाफ़ FIR दर्ज करवाने के लिए जाता है, लेकिन